हेलो एवरीवन, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची के द्वारा रिक्रूटमेंट 2021 जारी कर दिया गया है, जिसमें स्टाफ नर्स ग्रेड ए की टोटल पोस्ट 380 निकाली गई हैं, जो जिसकी लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल 2021 रखी गई है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक जानकारी सबके पास पहुंच सके। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि मैंने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है, साइट को आप नीचे स्क्रॉल जैसे ही करेंगे तो वहाँ स्क्रॉल करते ही सबसे पहले आपको पर्टिकुलर आपका पिक्चर गैलरी आएगा। पिक्चर गैलरी के बाद आपको थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट्स आएंगे, फिर उसमें रिम्स इन्फो डेस्क है, ट्रेंड है, देन आपका आ जाता है रिक्रूटमेंट। आप रिक्रूटमेंट में जैसे पहला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, आप उसे जैसे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर उसमें जैसे लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स ग्रेड ए 2021 ओनली इन रिम्स रांची। एडवर्टीजमेंट जो डेटेड है आपका 13/3/2021 को दिया गया है। आइए देखते हैं इस एडवर्टीजमेंट में क्या है। जैसा कि मैंने एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर लिया है, एडवर्टीजमेंट नंबर यहां पर 1093 है, रिम्स रांची, डेटेड ऑन 13/3/2021 को दिया हुआ है। इसमें आपका रांची का पर्टिकुलर सारी चीज़ें डिटेल्स दी हुई हैं मेडिकल कॉलेज की। इसमें स्टाफ नर्स ग्रेड ए रिक्रूटमेंट 2021 दिया हुआ है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स ग्रेड ए फ्रॉम इंडियन सिटीजन ऑफ राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची के हिसाब से आपका 14/3/2021 से आपका फॉर्म फिल करा जाना शुरू किया जा चुका है। तो 30/4/2021 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा शाम के 5 बजे तक। आपको जो भी टेंटेटिव वैकेंसीज जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अवेलेबल हैं और इसमें चेंजेस करे जा सकते हैं। इसमें कुल वैकेंसीज आपकी 370 रखी गई हैं, जनरल की 141 हैं, एसटी की आपकी 88 हैं, एससी की आपकी 57, एक्सट्रीमली बैकवर्ड की 23 और बैकवर्ड क्लास की 24 और इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस वालों की 37 वैकेंसीज रखी गई हैं। इसी प्रकार फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 4% डिसेबिलिटी इन वॉकिंग और स्पोर्ट्स कोटे के लिए 2% रखा गया है। आपका प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए 2% और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी आपको पर्टिकुलर रखा गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज उसमें जो नो रिजर्वेशन पोस्ट है, जो फिजिकली हैंडीकैप के लिए 15 पोस्ट है, स्पोर्ट्स कोटे के लिए 8 पोस्ट है, प्रिमिटिव ट्राइब के लिए आपका 2 पोस्ट रखी गई हैं। जैसा कि आप दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन टेकन इन 50 जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम यहाँ पर जो काउंसिल जो गवर्नमेंट काउंसिल के द्वारा जो था GB 50.4 के हिसाब से मेल नर्स भी इसको फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फिर और सर्कमस्टेंसेस दे जो यहाँ पे जो सर्कमस्टेंसेस रखे गए हैं वो 20% रखे गए हैं, 80% आपकी फीमेल और 20% आपकी फीमेल कैंडिडेट होंगी, 80% आपके फीमेल होंगी और 20% मेल रखे जाएंगे। पे स्केल जो रखा है सेवन पे स्केल है, जो अबाउट 70,000 सैलरी तक पहुंचेगा। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग मांगा गया है। इसमें आपका झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए और पोस्ट बेसिक नर्सिंग और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज फॉर एनी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, यूनिवर्सिटी और उससे रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफरी विद स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसको ऑल इंडिया कैंडिडेट फिल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें डिप्लोमा वाले भी फॉर्म फिल कर पाएंगे, सेम वही क्राइटेरिया रखा गया, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और उसका आपका इन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर्ड
इन विद स्टेट और अदर नर्सिंग काउंसिल, प्लस इसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इनसे मांगा गया है 50 बेडेड का। एज लिमिट जो रखी गई है वो एज पर डिपार्टमेंट रखी गई है। इसमें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें फॉर्म में आपका जो EWS है उसकी 35 साल, आपका एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो है 37 ईयर, 37 टू आपका हैंडीकैप्ड वाले के लिए 47, फिर आपका जनरल कैटेगरी के लिए आपका अनरिजर्व के लिए 38 और आपका हैंडीकैप के लिए 48, SC ST के लिए आपका 50 रखी गई है। द एज लिमिट शेल बी, आपका जो एज लिमिट जो चेक किया जाएगा वो 31/3/2021 से चेक किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस पे आ जाते हैं, अनरिजर्व के लिए आपका जो फीस रखी गई है 600 रखी गई है, बैकवर्ड कास्ट के लिए भी आपका और EWS के लिए 600 रुपये रखी गई है, शेड्यूल कास्ट के लिए 150 रुपये प्लस बैंक चार्जेस रखे गए हैं। सेलेक्शन प्रोसीजर जो है, सेलेक्शन प्रोसी जो है रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, टेस्ट स्कोर्स के अकॉर्डिंग होगा, कैंडिडेट ऑप्टेन मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे उसको वो दिया जाएगा आपको, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अनरिजर्व और EWS के लिए 40 मार्क्स लाना ज़रूरी है, बैकवर्ड के लिए आपको 36.5% लाना ज़रूरी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लिए 34, SC ST के लिए 32% और प्राइवेट प्रिमिटिव ट्राइब के लिए 30% लाना अनिवार्य है। इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा वो रिम्स रिम्स जॉब .com की साइट पे फिल किया जाएगा, जो आपके रिम्स की वेबसाइट पे 14 14 तारीख से अवेलेबल हो जाएगा और 30 अप्रैल तक वो रहेगा। ये जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि आपका 30 5 5 PM से 5 PM 30 को ख़त्म कर दिया जाएगा। विदाउट आपके ऑनलाइन ऑनलाइन के बिना आपका कोई भी वो उसका एप्लीकेशन फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आईडी अपना याद रखें और पासवर्ड को सेव करके रखें, जिससे कि कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन जाती है, आपसे रिलेटेड जानकारी जाती है, आपके ईमेल मोबाइल नंबर और आपके पर्टिकुलर आईडी पे वो भेजी जा सकती है। सिंक्रोनाइजिंग ऑल एप्लीकेशन रिवाइज विल बी डन ऑन एलिजिबिलिटी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर सारी चीज़ें देखी जाएंगी और उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। आफ्टर स्क्रीनिंग और रिटन टेस्ट के बाद आपका जो कैंडिडेट है वो शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, उसको एडमिट कार्ड दिया जाएगा और इशू किया जाएगा कि आप वहाँ पे एग्जाम दे सकें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करें, साथ ही शेयर करें इस इन्फॉर्मेशन को, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जा सके। साथ ही मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहें। जल्द से जल्द इसको फॉर्म फिल करें, अपना एप्लीकेशन आईडी कहीं पे लिखें, जिससे कि वो कहीं लॉस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।